दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। वैसे तो यह संस्कारों का शहर है, लेकिन इस शहर में न जाने किसकी भी नजर लग गई है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और विशेषकर विदुषियां भी अब विश्वास के संकट में आ रही हैं। इन सीसीटीवी पर गौर कीजिए, फुटेज पर, जिसमें बच्चों के माध्यम से महिलाएं और जवान पुरुष तकरीबन चोरियां करवा रहे हैं। देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज वास्तव में कोतवाली के सामने एक कंप्यूटर कॉलेज में हुई चोरी का है। वहीं दूसरा, जिसमें दो महिलाएं किसी घर में प्रवेश कर रही हैं, वह वास्तव में जबलपुर रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे बनी आवासीय कॉलोनी का है। जिसमें महिलाएं प्रवेश करके वास्तव में कुछ अपराध घटित करना चाह रही हैं। दोनों सीसीटीवी फुटेज सालीन और व्यस्ततम इलाकों के हैं, लेकिन आश्चर्य यह है कि यह सीसीटीवी फुटेज और यह घटना की सूचना लोगों ने कोतवाली पुलिस तक कुछ नहीं दी है। कारण आप जानते हैं कि पुलिस के पचड़े में कौन पड़े। लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं, जिसमें कुछ बड़ा तो नहीं घटित हुआ है, किसी बड़ी घटनाओं की ओर भी संकेत कर सकती हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते लोगों को कम से कम इतल्ला तो दे ही देना चाहिए। ये दोनों घटनाएं हमारे सामने, आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं जो पुलिस तक पहुंची हैं और आज तक फाइलों के में दफन हो गई हैं। चाहे खाना खजाना के पीछे हुई 27 तोले सोने की चोरी का मामला हो, और चाहे खेरी में वकील के यहाँ हुई बड़ी चोरी का मामला। शायद इसीलिए आम नागरिक अब पुलिस से दूर भाग रहा है, लेकिन बच्चे, महिलाएं और अनजाने पुरुषों के द्वारा घटित करने वाली ये घटनाएं कहीं न कहीं बड़ी घटनाओं की ओर संकेत करती हैं। उम्मीद है कि पुलिस और नागरिक दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।